आप सब मीडिया के दोस्तों का शुक्रगुजार हूं कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप यहां आए और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने शमूलियत की। अनंतनाग लोगों की ये एक बदकिस्मती रही है, जब कभी ऐसा लगता है, और ये मैं पिछले चंद सालों के हवाले से बात कर रहा हूं, जब जब उनको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का पलटा भारी है या एस्टेब्लिशमेंट का कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन हारने जा रहे हैं, तो किसी ना किसी बहाने इलेक्शन को पोस्टपोन करने की कोशिश की जाती है। अगर आप दोस्त याद करें तो 2017 में भी ऐसा ही एक साजिश के तहत अनंतनाग असेंबली हलके के लोगों को जो है डिसएनफ्रेंचाइज किया गया था। उस वक्त बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन हुकूमत के दौरान चीफ मिनिस्टर साहिबा का भाई जो है वो उम्मीदवार था। इलेक्शन हारने के चंद दिन पहले इलेक्शन कमीशन के साथ एक साजिश रचा के अनंतनाग असेंबली हलके के इलेक्शन को जो है लास्ट मोमेंट पे पोस्टपोन किया गया, और वो दिन और ये दिन उसके बाद वहां इलेक्शन हुआ नहीं। कुछ दिनों से हम ये खबरें सुनते आए हैं कि बीजेपी और उनके जो पार्टनर पार्टीज हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलके दोबारा जो है इस तरह की साजिश रचाने पे सोच रहे हैं, और बहाना ये बनाया जाएगा कि मुगल रोड जो है मुगल रोड में जो है वहां चलने फिरने की जो है वो हालत ठीक नहीं है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तरफ से मैं इलेक्शन कमीशन को ये अपील हम करें या उन्हें हम वार्न करें कि इस तरह का कदम उनको उठाना नहीं चाहिए। डिमांड हर पार्टी की तरफ से नहीं आई है। अगर आप जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को जो चिट्ठी गई है वो भी एक अजीब चिट्ठी है। सबसे पहले तो उनमें वो लोग शामिल हैं जो इलेक्शन लड़ भी नहीं रहे। अब मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, बीजेपी का इसमें कोई उम्मीदवार है नहीं, उनको इस इलेक्शन से क्या लेना देना? क्या वो दोबारा इस बात को साबित कर रहे हैं कि पिछली दरवाजे से वो किसी उम्मीदवार की मदद कर रहे हैं? और जब उनका इस इलेक्शन में कोई उम्मीदवार है नहीं तो उनकी राय को जो है इलेक्शन कमीशन कंसिडर क्यों कर रही है? कल को अगर मैं कोई तमिलनाडु को लेकर चिट्ठी लिखूं या केरला को लेकर चिट्ठी लिखूं या महाराष्ट्र को लेकर चिट्ठी लिखूं तो क्या इलेक्शन कमीशन उसका नोटिस लेगी? तो अगर मेरी चिट्ठियों का इन जगहों पर नोटिस नहीं लिया जाएगा तो साउथ कश्मीर अनंतनाग रजौरी की सीट पर उन पार्टियों का जिनका कोई उम्मीदवार नहीं है उसका नोटिस क्यों लिया जा रहा है? और फिर इस लिस्ट को बड़ा चढ़ा के पेश करने के लिए एक पार्टी का दो बार जिक्र होता है, एक पार्टी के सदर के नाम के लिहाज से और उसके बाद सिर्फ पार्टी के लिहाज से। तो अगर आप इन को निकालने का काम करें तो इसमें चंद ही तो नाम बचते हैं, और वैसे भी आज अगर आप देखें रास्ता खुला है, आने जाने में कोई रुकावट नहीं है। चलिए अगर एक आध दिन बारिश पड़ भी जाती है तो इतना कोई रास्ता खोलना जो है इतना मुश्किल है नहीं। और अगर मेरे खुद के उम्मीदवार हैं, ये खुद कहते हैं कि अगर किसी वजह उनका प्रोग्राम जो है मुगल रोड से नहीं होता तो इनको कोई परेशानी नहीं है, ये रियासी से होते हुए इलाके में पहुंच के वहां अपना कैंपेन का शेड्यूल जो है वो चालू रखेंगे। तो इलेक्शन कमीशन जो है उनका फर्ज बनता है कि वो हर पार्टी जो है उनकी व्यूज को कंसिडरेशन में लाएं। अगर हमारे व्यूज को नजरअंदाज किया जाता है तो उसका सीधा सीधा मतलब हम ये निकालेंगे कि जो है एक सोची समझी साजिश के तहत वहां इलेक्शन के साथ जो है खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है, और ये चीज जो है लोग इसको बहुत इसका एक इसका जो मायने निकलेगा वो अच्छा नहीं होगा।
अब आपके अगर कोई सवाल है तो मैं सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यस वी हैव अ लेटर, इट्स जस्ट पीपल्स कॉन्फ्रेंस में हमने की थी रिक्वेस्ट आपकी पार्टी से, हमें यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर में सपोर्ट किया जाए और उन्होंने वहाँ पे इनको सपोर्ट किया है, मतलब अपनी पार्टी के कैंडिडेट को, कैसे आप उनके उस देख रहे हैं उस चीज को जो उन्होंने यहाँ पे हमने किया? मैंने ये पहले भी कहा है फिर दोहराऊंगा, मेरी लड़ाई जो है किसी की हारी गई है, इनकी पार्टी इसी तरह से इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट मांगी। क्या आपको डर है कि चुनाव पोस्टपोन होंगे? ये वी ऑब्वियसली ऑल ऑप्शंस आर ओपन टू अस। आई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वुड मेक एन अपील टू द इलेक्शन कमीशन नॉट टू डू इट, दैट देयर इज नो नीड फॉर इट, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड। इफ एनीथिंग द इलेक्शन कमीशन शुड इशू अ डायरेक्टिव टू द J&K एडमिनिस्ट्रेशन टू एंश्योर दैट द रोड इज केप्ट ओपन, दैट्स ऑल द इलेक्शन कमीशन नीड्स टू डू। This government is perfectly capable of keeping this road open. I've been chief minister for 6 years. I know what our capabilities are. I know how capable our R&B department is. I know the machinery that we have. I know the manpower that we have. I know that there is absolutely no reason that the Mughal road cannot be kept open at the end of April. If this was January or February, yes, I myself would have had concerns about our ability to keep this road open, but not at the end of April. That said, if the election commission chooses to ignore what we are saying, then we will consider the option of going to court as well. फिलहाल तो secular constitution को ही तो खतरा है, इसलिए तो हम इंडिया ब्लॉक के तरफ से ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम चाहते तो हम भी अकेला ये इलेक्शन लड़ते, नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि इस मुल्क के secular character को कितना खतरा है और हमें डर। और आपने ये हमारे मुंह से नहीं सुना है, आपने बीजेपी के कुछ सीनियर लीडरों से सुना कि अगर उनको 400 सीटें मिली तो वो मुल्क के आईन में तब्दीली लाएंगे, बदलाव लाएंगे। तो जाहिर सी बात है जिस तरह होम मिनिस्टर साहब तकरीर कर रहे हैं उनका इशारा इसी तरफ है। एडमिनिस्ट्रेशन का एक बायस्ड अप्रोच तो है, उसमें कोई दो राय नहीं है, और मैं ये मतलब सबूत के साथ आपको कह सकता हूँ। आप सिर्फ झंडे ले लीजिए, हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के झंडे जो हैं, छोड़िए मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा, जहां शेरे कश्मीर दफन है वहां से हमारे झंडे उठाए गए थे। और जब ये अपने अपनी पार्टी वाले जो है अपना मैंडेट भरने आते हैं उस वक्त पूरे सड़कों पे जो है इनके झंडे थे, किसी ने उनको छुआ नहीं जब तक कि शिकायत दर्ज नहीं की गई। हमारे जब झंडे उतारे गए थे किसी ने शिकायत नहीं की थी, और ये बार बार हमें देखने को मिल रहा है कि इंतजामिया के तरफ से जब भी कोशिश की जाती है तो सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को तंग करने की कोशिश की जाती है, और कहीं पे जो है इस तरह के कदम हम नहीं देखते। क्या होता VVPAT एक तरीका है जिससे कि वोटर जो है वो मुतमाइन हो सके कि जो बटन उन्होंने दबाया है वही वोट जो है मशीन में गया है, लेकिन इस बार नहीं। चलिए अगली बार कोशिश तो हमारी जारी रहेगी के तमाम VVPATs जो हैं उनको जो है रिकंसाइल करके ही इलेक्शन का नतीजा जो है वो डिक्लेयर किया जाना चाहिए। दिस कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अ रियलिटी, वी डोंट गेट टू चूज द बाउंड्रीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी दैट वी आर फाइटिंग, अदरवाइज वी आई मीन ऑल ऑफ अस वी फेल टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ दिस बाउंड्री ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, बट दैट इज समथिंग दैट ओनली द डिलिमिटेशन कमीशन कैन आंसर फॉर। As a party contesting this election, we don't get to choose the boundaries of the constituency that we want to fight. We have to fight the constituency that we're given, and therefore that is what we are doing, and that's what we'll continue to do. जाहिर सी बात है postpone करने का ये भी एक मकसद है कि एक बहुत बड़ा तबका हमारी आबादी का जो है उनको disenfranchise किया जाएगा। बहाने कई सारे हैं जो इस्तेमाल किए जाएंगे, लेकिन मकसद यही है, क्योंकि बीजेपी और बीजेपी की जो पार्टियां हैं जिनको वो मदद कर रहे हैं उनको ये इलेक्शन जो है उनको लग रहा कि हारने वाले हैं। और बिल्कुल जैसे मैंने शुरू में कहा 2017 में भी बीजेपी को लग रहा था कि वो इलेक्शन हारने वाले हैं, और PDP की मदद करने के लिए उन्होंने उस वक्त इलेक्शन पोस्टपोन कराया। इस बार भी इनको लग रहा है कि ये इलेक्शन हारेंगे और मियां अल्ताफ साहब ये इलेक्शन जीतेंगे,
तो इसलिए ये जो है ये रुकावट जो है हमारे रास्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। वैसे हमारी अपील रहेगी कि पोस्टपोन ना हो, अगर किसी वजह हमारी बात को नजरअंदाज किया जाता है तब भी हम मतलब बढ़ चढ़ के जो है अपनी कामयाबी के लिए जो है काम करेंगे और कामयाबी की उम्मीद जो है तब भी हमारी रहेगी।